आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन से हिसाब से पूछोगे व्हाट इज रेजोनेंस, आपको डिफाइन करनी है रेजोनेंस एनर्जी भाई। सो देखो आपको समझना होगा, अगर मैं बात करती हूँ रेजोनेंस की, सो रेजोनेंस जो होता है ये बेसिकली आपका डिस्क्राइब्स करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मॉलिक्यूल्स, राइट। रेजोनेंस जो होता है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है, और मतलब डिस्क्राइब करता है ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइन, इन मैनी केसेस आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके आर रिक्वायर्ड कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू डिस्क्राइब केमिकल बॉन्डिंग, राइट। सम केसेस में हमारे पास जो मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके चाहिए होते हैं, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग जो है वो आपकी डिस्क्राइब करनी है, राइट। फाइन, सो आपको यहाँ पर समझना होगा कि एक जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है ऑफ ऑल द एक पर्टिकुलर कंपाउंड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, उसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। फाइन, सो ये तो बात होगी रेजोनेंस की। अब अगर मैं बात करती हूँ रेजोनेंस एनर्जी की, सो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है ये आपका क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। ये आपका एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल मॉलिक्यूल्स एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज कर लो मैंने आपका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कार्बोनेट आयन का, राइट, क्लियर। सो ये होता है मेरे पास कार्बोनेट आयन। फाइन, सो ये इसका क्या है, लुईस स्ट्रक्चर है बेसिकली, क्लियर। इस पर मेरा टू नेगेटिव चार्ज है। फाइन, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। फाइन, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, क्लियर। और टू नेगेटिव चार्ज है, और मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं आपका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इसका ड्रॉ कर सकती हूँ लाइक दिस। और इन सब स्ट्रक्चर्स के इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और मतलब ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। कि इस तरीके से हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। फाइन, सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।